नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका MCX Sure Gain के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन के लिए या फिर स्टॉक ऑप्शन के लिए बताओ किस तरीके से ट्रेडिंग होगी, किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही आजकल मार्जिन के नए नए रूल्स आ रहे सेबी के, बहुत ज़्यादा मार्जिन बढ़ता जा रहा है। तो निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर में ज़्यादा लॉट्स में ट्रेडिंग करना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है और ज़्यादातर लोग ऑप्शंस की तरफ ही अब मूव कर रहे हैं या फिर स्टॉक कैश की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसलिए हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आपकी किस तरीके से मदद करेगा, इसके बारे में ये वीडियो है। मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि उनको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ पाएँ और वो अपना एल्गो ट्रेडिंग प्रॉपरली कर पाएँ। ये वीडियो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में है जिसमें कि हम बताएंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा और किस तरीके से आप सिंबल सेट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, उसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो और किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इस प्लेटफॉर्म पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्लेटफॉर्म का नाम है AlgoCrab और वेबसाइट का नाम है AlgoCrab.com। AlgoCrab एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स के साथ आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें जीरोधा है, एलिस ब्लू है, एंजल ब्रोकिंग है, फायर्स है, सेमको है, मास्टर ट्रस्ट है, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सबका अकाउंट उन ब्रोकर्स के पास होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, सबसे पहले हमें करना होगा साइन अप। अगर आप नए यूज़र हैं तो साइन अप करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है AlgoCrab में तो आप लॉगिन करेंगे। तो साइन अप करने के बाद ये सारी डिटेल्स यहाँ पर भरी हुई हैं, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको एक मेल आएगा, मेल पर आपको कन्फर्म करना है अपना अकाउंट और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद जो आपको दिखेगा वही डैशबोर्ड है जो आप डैशबोर्ड अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस डैशबोर्ड में आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ स्टार्टिंग से। पहले सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ आपको दिखाई दे रही हैं और नीचे 2 स्ट्रैटेजीज़ आपको दिखाई दे रही हैं जो पोजिशनल की हैं। ठीक है, कुछ इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ पोजिशनल की हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं और जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी दोस्तों ईगल ट्रेडिंग सिस्टम जो कि इंट्राडे है, उसके बाद है इंट्रामैक्स, ये भी इंट्राडे है। तीसरी स्ट्रैटेजी है सुपर ट्रेंड, इसको आप इंट्राडे और पोजिशनल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो परफॉर्मेंस का डेटा और जो हीट मैप का डेटा आपको दिखाई देता है वो पोजिशनल के हिसाब से होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो MIS यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगी। उसके बाद की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनमें मनी मशीन है, MA क्रॉसओवर और जिंगारा है, जिसमें मनी मशीन इंट्राडे है, जिंगारा भी इंट्राडे है और मूविंग एवरेज पोजिशनल है, लेकिन आप इसको भी इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हैं, MIS करके चला सकते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस का डेटा आपको मिलेगा वो पोजिशनल के हिसाब से ही मिलेगा। उसके बाद आते हैं ट्रेंड ब्लास्टर और मार्केट हैकर, ये दोनों पोजिशनल की स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इन पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इंट्राडे वाली कोई भी स्ट्रैटेजी चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें सबसे पहले कि कौन कौन से ब्रोकर हैं जिनके साथ आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन के पेज में जाना होगा। ऑथेंटिकेशन के पेज में आप देखिए आपको 5paisa मिल जाता है, एलिस ब्लू मिल जाता है, एंजल, बसन, एनरिच, फायर्स, इंदिरा सिक्योरिटीज़, मास्टर ट्रस्ट, ट्रेड स्मार्ट, ट्रस्ट लाइन, जीबू और जीरोधा, ये सारे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप मिलके एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपका एक अकाउंट होना चाहिए जो कि इनमें से किसी भी ब्रोकर के पास हो और उसके बाद आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई अकाउंट है तो मैं उस ऑथेंटिकेट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एंजल का अकाउंट है, मैंने एंजल का अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर डाल दी हैं और यहाँ पर मैं जैसे ही गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टोकन लेके आ जाएगा और ये वापस इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। अगर हमें वापस इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है इसका मतलब ये है कि हमारा टोकन हमें मिल गया है और हम यहाँ पर वैलिडेट टोकन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम वैलिडेट बटन के टिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि टोकन है वैलिड, ग्रीन कलर का टोस्ट आएगा जिसमें टोकन वैलिड लिखा होगा। अगर टोकन इज इनवैलिड लिखा आता है इसका मतलब टोकन ढंग से नहीं मिला, फिर हमें दोबारा से प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपको किस तरीके से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें जाना होता है दोस्तों हीट मैप के सेक्शन पे। हीट मैप के सेक्शन पे हमें मिलता है एक्यूरेसी वाइज परफॉर्मेंस लिस्ट।
तो किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस लिस्ट देखनी है। अब हमें ट्रेडिंग करना है बैंक निफ्टी में, तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कौन सी स्ट्रेटजी सबसे अच्छा काम कर रही है, निफ्टी में कौन सी स्ट्रेटजी सबसे अच्छा काम कर रही है, ऑप्शंस में आपका ट्रेड किस तरीके से होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें क्या होता है कि जो भी सिग्नल्स आते हैं फ्यूचर्स के सिंबल्स पे, उन्हीं सेम सिग्नल्स को हम कैश में भी भेजते हैं, उन्हीं सिग्नल्स को हम ऑप्शंस में भी भेजते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए बैंक निफ्टी में बाय का सिग्नल आया, तो जब बैंक निफ्टी में बाय का सिग्नल आएगा तो उसके साथ साथ हम बैंक निफ्टी की जितनी भी कॉल्स होती हैं उन सब में भी बाय का सिग्नल भेजते हैं, कॉल्स बाय करने के लिए सिग्नल भेजते हैं। जैसे ही बैंक निफ्टी में सेल का सिग्नल होता है तो हम सारी पुट्स को बाय करने का सिग्नल भेजते हैं। सेलिंग करने का सिग्नल इसलिए नहीं भेजते क्योंकि सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है, और पुट बाय करने के लिए सिग्नल भेज देते हैं क्योंकि अगर मार्केट डाउन जाएगा तो पुट के रेट्स बढ़ेंगे तो पुट बाय करने का, मार्केट अप जाएगा तो कॉल्स के रेट बढ़ेंगे तो कॉल्स को बाय करने के लिए ऑर्डर भेजते हैं अगर बाय का सिग्नल आता है। तो उस तरीके से हमें देखना होगा कि कौन से सिंबल में हमें ट्रेड करना है। मान लीजिए अब बैंक निफ्टी के फ्यूचर में आप देखना चाहते हैं कि भाई कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि ऑप्शंस का परफॉर्मेंस यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड नहीं है, हमारा सिर्फ फ्यूचर्स का रिपोर्ट कार्ड है। तो फ्यूचर के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम इसकी ऑप्शंस में करते हैं तो भी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से हमें मिल सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी स्ट्रेटजी हम सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मनी मशीन की जो स्ट्रेटजी है वो सबसे बढ़िया है बैंक निफ्टी के लिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो जब आप मनी मशीन की स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे तो ये मनी मशीन के हिसाब से डेटा आपको लेके दिखा देगा। यहाँ पर आप देखिए कि 69% की एक्यूरेसी मनी मशीन में आपको दिखा रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप क्लिक करते हैं तो पिछले 200 सिग्नल्स में क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या क्या लॉस हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको चार्ट की स्क्रीन में अवेलेबल है। जैसे कि ये दिखा रहा 3 तारीख यानी कि कल के दिन इसमें 75 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, और उसके बाद फिर अगले दिन जो 2 तारीख को जो सिग्नल आया उसमें 56 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, उससे पहले 154 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, उससे पहले 100 पॉइंट का लॉस, फिर 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट और 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट लॉस की जो डिटेल्स हैं वो आपको डेली बेसिस पर दिखाई देती रहती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं या बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप हीट मैप में जाकर देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, और उसके हिसाब से आप जो है अपना सिंबल सिलेक्ट करके और उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब आपको सिंबल कैसे सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले हमें जाना होगा कस्टमाइज स्ट्रेटजी पे, और यहाँ पर हमें क्रिएट अ सिंबल का बटन दबाना होगा। जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा कौन सी स्ट्रेटजी हमें ट्रेड करना है। मान लीजिए मुझे मनी मशीन में ट्रेड करना है तो मैं यहां पर मनी मशीन सिलेक्ट कर दूंगा। मनी मशीन सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर NFO में क्लिक करूंगा एक्सचेंज टाइप में, और NFO का सिंबल सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे यहां पर बैंक निफ्टी लिखना होगा। जैसे मैं बैंक निफ्टी लिखूंगा उसकी कॉल्स और पुट्स के रेट्स आ गए हैं, तो यहाँ पर जैसे भी आप देख पा रहे होंगे अलग अलग रेट्स आ रहे हैं। 24 जून की एक्सपायरी है तो 24 जून मैं यहाँ पर लिखूंगा 24JUN। उसके बाद कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मुझे लेना है, जैसे कि अभी निफ्टी का क्या रेट चल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो रेट चल रहा है वो 35,700 चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम कोई भी कॉल्स ले सकते हैं जैसे 35। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा बैंक निफ्टी 24 जून 21, और उसके बाद मैंने 35,000 लिखा, तो इसने यहाँ पे मुझे, तो यहाँ पर अगर मुझे कॉल लगानी है तो मैं कॉल लगाऊंगा, और अगर मुझे पुट लगानी तो पुट लगाऊंगा, या फिर मैं दोनों सिंबल्स भी लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर दोनों सिंबल लगाते हैं उसका ये फ़ायदा होता है, मान लीजिए सेल का सिग्नल आएगा तो आपकी पुट बाय हो जाएगी और बाय का सिग्नल आएगा तो आपकी कॉल बाय हो जाएगी। तो इस तरीके से हम दोनों सिंबल्स को लगा सकते हैं। यहाँ पर NFO रेगुलर ऑर्डर करेंगे, यहाँ पर MIS सेलेक्ट करेंगे, MIS सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे जो कि ऑप्शंस की क्वांटिटी है। उसके बाद हम यहाँ पर टारगेट वन और स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करेंगे, स्टॉप लॉस ऑन टारगेट वन ऑन, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक सिंबल हमारा यहाँ पर ऐड हो गया, उसके बाद हम इसमें पुट का ऑप्शन भी सेव कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा, NFO में जाना होगा, दोबारा से हम लिखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद जो उसकी एक्सपायरी डेट है 24, उसके बाद जून, उसके बाद 21 जो ईयर होता है, उसके बाद 35,000 की पुट आ गई। पुट को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी में 25 डालेंगे और MIS करेंगे इसको, और MIS करने के बाद इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें एरर दे रहा है सिलेक्ट स्ट्रेटजी, हमने सिलेक्ट स्ट्रेटजी सिलेक्ट नहीं करी। तो हम यहाँ पे मनी मशीन की स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेव का बटन दबाएंगे, तो ये यहाँ पर दूसरा सिंबल भी दोस्तों आ गया। अब ये दो सिंबल हमारे पास आ गए, अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर बाय का सिग्नल आएगा तो कॉल बाय हो जाएगा, सेल का सिग्नल आएगा तो पुट्स बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डेली बेसिस पर चलता रहेगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसको स्टार्ट कर देना। हम ये दोनों सिंबल्स को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद डेली आपको बस एक बार 2 मिनट के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर आना होगा
ऑथेंटिकेशन के टैब में जाना होगा और गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करेंगे ये रीडायरेक्ट करके आपको वापस से हमारी वेबसाइट पर ले आएगा। बस इतना ही काम करना है आपको। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे एल्कोक्रैप की एप्लीकेशन आपको मोबाइल गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ पर से जाके आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको स्क्रीन पर ही टैब मिल जाएगा ऑथेंटिकेशन का, और आप ऑथेंटिकेशन करके वहाँ से सिंपली अपना टास्क पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा और ये काम आपको 8 बजे से 9 बजे के बीच करना है, क्योंकि 8 बजे के बाद ज़्यादातर कंपनीज जो होते हैं वो टोकन रिन्यू कर देती हैं, यानी कि टोकन एक्सपायर हो जाता है जो पुराना टोकन होता है और नया टोकन लेना पड़ता है। तो इसके लिए आप 8 से 9 के बीच अगर ये चीज़ करेंगे तो उसके बाद ईजी हो जाएगा। तो दोबारा से मैं एक बार स्टेप बताता हूँ दोस्तों आपको क्या करना है। आपको एल्कोक्रैप के प्लेटफॉर्म पर जाना है। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है कि कौन से सिम्बल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे और कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट रहेंगी। उसके लिए आप हीट मैप के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। हीट मैप के सेक्शन में आपको अलग अलग एक्यूरेसी वाइज सिंबल मिलेंगे। उनमें से जो भी सिंबल आपको पसंद आते हैं उन सिंबल्स को आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी के सिंबल्स लगाए थे, मुझे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के बारे में वीडियो बनाना था तो मैंने बैंक निफ्टी के ऑप्शंस यहां पर लगाए, कॉल्स और पुट्स दोनों सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद उसको स्टार्ट कर दिया। जैसे ही कोई नया सिग्नल आएगा तो आपका ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपके ब्रोकर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेड हुआ है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। आप 6 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। जैसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं रजिस्टर करते हैं आपको बाय डिफॉल्ट सारी सर्विसेज का 6 दिन का ट्रायल मिल जाता है, और ट्रायल के दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ रही है, जो सिग्नल्स आए हैं वो आपके ब्रोकर पर ट्रेड हुए हैं नहीं हुए हैं। कोई भी परेशानी आपको आती है, कोई भी दिक्कत आपको समझने में आए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर कॉल्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए 6 दिन का ट्रायल लीजिए वेबसाइट पर जाके और उसके बाद चेक कीजिए किस तरीके से परफॉर्मेंस मिल रहा है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।